नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हंगामा बरप गया है। शाहीन बाग में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था वो जाफराबाद और मौजपुर पहुंचते पहुंचते हिंसक हो गया। रविवार शाम को तो मौजपुर इलाका रणक्षेत्र बन गया और जमकर पथराव हुआ। आर पार जैसे हालात बन गए। एक तरफ CAA के विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ CAA के समर्थन में भी लोगों का हुजूम उमड़ आया। इसी बीच दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। यहाँ पर नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, हालांकि अभी स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। जाफराबाद में CAA के विरोध में शनिवार रात से ही महिलाओं ने मेट्रो स्टेशन के पास डेरा डाल रखा था। रविवार दिन चढ़ते चढ़ते तादाद बढ़ती गई और देखते ही देखते जाफराबाद के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी तनाव बढ़ता चला गया। अभी तक सिर्फ CAA के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन रविवार को जब CAA के समर्थन में भी लोग उतर आए तो फिर स्थिति बेकाबू होने लगी। न सिर्फ जाफराबाद मौजपुर में बल्कि बाबतपुर, चांदबाग, खुरेजी, दुर्गापुरी, करावल नगर में भी उग्र प्रदर्शन और हिंसा देखने को मिली। मौजपुर में CAA के समर्थन में उतरे लोगों ने विरोधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी CAA के समर्थन में मौजपुर पहुंच गए। ये जो बदतमीजी चल रही है, जाफराबाद बंद है, चांदबाग बंद है, 35 लाख लोग आज कैद कर दिए गए हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते, सारे रास्ते उनके बंद कर दिए गए हैं। ये जाफराबाद खाली करो, ये चांदबाग खाली करो, दूसरा शाहीन बाग दिल्ली में बनने नहीं देंगे। अब आप लोग मौजपुर समेत कुछ और इलाकों में इस कदर पथराव हुआ कि हालात काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंची तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बहुत से कंटिन्यूस पुलिस प्रेजेंस है इलाके में, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है, तो कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि शांति में विघ्न उत्पन्न हो, लेकिन प्रयास हमारे कंटिन्यूस जारी है और ताकि शांति बहाल हो। अभी 15 से ज्यादा कंपनियां यहां पे तैनात है और जिनकी मदद से इलाके में शांति कायम रखी। तनाव की वजह से सड़कें बंद हैं, मेट्रो की सेवा पर भी असर पड़ा है। इलाके के लोग चिंतित हैं कि उनके बच्चे 10वीं 12वीं की परीक्षा देने कैसे जाएंगे। परीक्षा है 10वीं 12वीं के, सभी बच्चों के ना मेट्रो चल रही ना बसे चल रही है। यही है कि जिनके भी CBSE के पेपर हैं उनको शांतिपूर्ण पेपर देने जाया जाए, मेट्रो मेट्रो खुली जाए और जाफराबाद स्कूल है वहाँ सेंटर बढ़ता है 12वीं का। और जिस तरह से दिल्ली में नए सिरे से CAA को लेकर हंगामा शुरू हुआ है, वैसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की छवि खराब करने की नीयत से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक शाहीन बाग से पहले ही दिल्ली की एक बड़ी आबादी बंधक बनी हुई है, तो फिर ऐसे और शाहीन बाग खड़े करके और सड़क बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदर्शनकारी? इस देश के अंदर में अब कोई शाहीन बाग और जाफराबाद करके इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता। ये इनका नौटंकी क्षण भर का है, ये नौटंकी दूर होगा, बादल फटेगा, सूरज का उदय होगा, सूरज को कोई रोशनी नहीं दिखा सकता। इस बीच शाहीन बाग का धरना भी 70वें दिन भी जारी रहा। इस धरने की वजह से दिल्ली नोएडा मुख्य सड़क बंद है। एक सड़क जो खोली भी गई है उससे दिल्ली नोएडा आने जाने वालों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। सड़क बंद होने से परेशान लोगों का भी सब्र का बांध टूट गया और जसोला इलाके में वो सड़क पर उतर कर शाहीन बाग की प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पीछे की रोड खोल दी उन्होंने, बैक तरफ के और फरीदाबाद की नगर वाली, पर ये मेन रोड तो खुला है क्या? और न्यूज में दे रहे कि रास्ता ओपन हो गया, रास्ता ओपन हो गया, कहाँ का न्याय है? हम लोग 2 महीने से सफर कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग मामले की सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वार्ताकारों साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े ने प्रदर्शनकारियों से 4 दिनों तक जो वार्ता की वो नाकाम रही थी। ये वार्ताकार अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देंगे। वहीं एक और वार्ताकार और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि रास्ता प्रदर्शनकारियों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बंद कर रखा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोड बंद करने पर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि प्रदर्शन करना संवैधानिक हक है, लेकिन रोड बंद कर दूसरे लोगों को परेशान करना ठीक नहीं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से शाहीन बाग मामले को लेकर क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।